जिंदगी में अप एंड डाउन आएंगे, कभी डरना नहीं। हर चीज में कुछ न कुछ छिपा है, वो आपको भी दिख नहीं रहा, लास्ट में जब डॉट मिलाओगे तब समझ में आएगा ये क्यों हुआ मेरे साथ, क्यों हुआ ये मेरे साथ। मैं एक युवक की कहानी सुनाता हूं। उसको अपनी जिंदगी में एयरफोर्स का पायलट बनना था। गरीब परिवार में पैदा हुआ, मन लगा के पढ़ाई किया, दमदारी के साथ हमेशा फर्स्ट डिवीजन से एनडीए की तैयारी करने के लिए देहरादून में गया और उसको 100% यकीन था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मेरा 100% सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन केरला में जन्म हुआ और जाना देहरादून था, इतने पैसे नहीं थे, देहरादून कैसे जाए, बहन का कंगन बेच के देहरादून गया और सिलेक्शन नहीं हुआ और लगा कि अब तो दुनिया खत्म हो गई, अब मैं वापस कैसे जाऊंगा, मेरे पास तो लौटने के पैसे भी नहीं है। सोचा कि मैं यहीं आत्महत्या कर लूं और ऋषिकेश में गंगा जहां से बहती है और वहीं से कूदने का इरादा बना लिया। बार बार जाता कि मर जाऊं, फिर लौट के आ जाता, सोचता विचारता फिर जाता फिर लौटाता। और वहां पर एक साधु बाबा शिवानंद जी थे, उन्होंने बुलाया, बेटा मुझे तुम कुछ परेशान से दिख रहे हो, क्या बात है? तो उसने बताया, बाबा मैं परेशान इसलिए हूं कि मैं यहां एनडीए के सिलेक्शन के लिए आया था, मुझे यकीन था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मैं अपनी बहन के कंगन बेच के आया था और अब मेरा सिलेक्शन हुआ नहीं और मेरे पास लौटने के लिए भी पैसे नहीं है, मैं मरना चाहता हूं। तो वो बाबा शिवानंद जी ने उनको बोला, कोई बात नहीं बेटा, पहले तो तुम कुछ खा पी लो और ये वो पैसे पकड़ो जो तुम्हारे खर्च हो गए यहां तक आने में, और एक बात ध्यान रखना, आज तुम्हारा सिलेक्शन एनडीए में नहीं हुआ है कोई बात नहीं, लेकिन इससे बड़ी भी चीज तुम्हें कभी जिंदगी में तुम्हारा इंतजार कर रही है, इसीलिए तुम्हें आज ये छोटी चीज नहीं मिली है। उसको ये बात बोली और उसने इस बात को बिल्कुल अपने दिल से लगाया कि पक्का इससे बड़ी कोई चीज मुझे मिलेगी, और जिंदगी में मेहनत करी, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। जो बंदा एयरफोर्स में पायलट नहीं बन पाया, वो बंदा आगे चल के मिसाइल मैन बना और देश का राष्ट्रपति बना। नाम है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम।